महंगाई, बेरोजगारी एवं बढ़ते अपराधों के खिलाफ सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट द्वारा भोपाल के चेतक ब्रिज चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया गया। हो रही जन समस्याओं, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, अतिक्रमण एवं बढ़ते अपराध के खिलाफ भोपाल के चेतक ब्रिज चौराहे पर भोपाल जिला सचिव मुदित भटनागर के नेतृत्व में सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट द्वारा जिला स्तरीय प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मुदित भटनागर ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में हम अपने 5 से 6 प्रत्याशी उतारेंगे और अपनी बात को संसद में मजबूती के साथ रखेंगे। हम देख रहे हैं जिस तरह से आम जन जीवन में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ महंगाई त्राही त्राही मचा रही है, दूसरी तरफ बेरोजगारी का आलम जो है, आपने पिछले दिनों देखा पटवारी परीक्षा में जो घोटाला हुआ, उस घोटाले में क्लीन चिट दे दी गई है, जबकि सभी ने देखा था कि किस तरह से, मतलब जो पास हुए थे, जिनका चयन हुआ था, उनको प्रदेश की राजधानी, प्रदेश के जिले तक नहीं मालूम। इस तरह का जो भ्रष्टाचार चल रहा है, फिर इसके अलावा जो अन्य मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इस सब का जो निजीकरण, व्यापारीकरण तेजी से किया जा रहा है, महिलाओं की जो स्थिति हो रही है दिन पर दिन, हर दिन हम अखबार में पढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, रेप गैंगरेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार की अकर्मण्यता, और बल्कि ये कहा जाए कि बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए काम करने की जो साजिश है, ये आज सबके सामने जाहिर है। ऐसे में मेहनत कश वर्ग की पार्टी एसयूसीआई कम्युनिस्ट मानती है कि जनता के सभी तबकों को एकत्रित होकर आंदोलन करने की जरूरत है। चुनाव के बाद हो सकता है एक राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन करके ये ज्ञापन सौंपा जाए प्रधानमंत्री को, जो भी बने उस समय। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।